चंद्रशेखर रावण ने लोकतंत्र की पावर को समझाते हुए पहले समाज के उपस्थित हुए लोगों को बतलाया कि आपका मतदान आपकी पावर है, आपकी पहचान जैसे मतदान से होती है वैसे ही आपको अपने मतदान की पावर को समझो। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब चुनाव में अपना मतदान करते हैं तो कुछ लालच में अपना मत देकर अपने पावर को बेच देते हैं। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष को भरी सभा में फटकार लगाते हुए जिला अध्यक्ष के निर्देश दिया, जिससे कि इन समाज के लोगों को उचित न्याय मिल सके। पेशे एक रिपोर्ट। लोकतंत्र है, जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। राज तब होगा जब आप अपनी वोट का सही प्रयोग करोगे, ठीक है। और वोट का प्रयोग आपको सिखाना पड़ेगा। इस बार तो मैं ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप विश्वास करो, जितने मकान आपके कच्चे है ना, इसी बार हमारा कुछ बने ना बने लेकिन आपके मकान पक्के बन जाएंगे, ये हमारा वादा एक साल के अंदर, आप चिंता मत करो। कौन है भाई हमारे जिला ए बलवीर, इनका सबका रिकॉर्ड बना के और उसके डीएम के कार्यालय पे फेंक के मार उसके मुंह पे। यहाँ काहे को बैठा, अमीरों को बनाएगा मकान जिनके बने हुए, जिनके गरीबों कच्चे मकान उनकी कौन सुधरेगा? प्रधानमंत्री इतनी योजना चलाए बैठे, जैसे भाषण भाषण देते रहते प्राइम मिनिस्टर और इनके नेता सब लोग। कागज लेके जाओ और उनको कहो कि बनाओ, वरना बैठेंगे जिला कार्यालय पर धरना देके। चुनाव खत्म हो जाएगा दो दिन बाद, हमारी ये इनको, ये हमारा परिवार है, इनको हमसे उम्मीद है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, समझ रहे हो? दे भी चुके नहीं, उसको कहो इनको पूरा करो वरना तो फाड़ देंगे कपड़े, समझ रहे हो? वो जनता की सेवा के लिए बैठा ना वहाँ, जब वो डीएम उसमें बैठा एसी में, तो ये गरीब लोग काहे को गर्मी में मरेंगे भाई? अब सर्दी आ रही है, अब क्या होगा इनका, रजाई भेजेगा क्या वो? है अपने घर के लिए तो बड़ी मोटी मोटी रजाई लाएगा, कंबल लाएगा, इनके लिए इनका क्या होगा फिर?